तीन खुश्क पराठे लगा दें और दो अंडे कर दें, ठीक है, और काली मिर्च जाने आओ के ब्रा जा सॉरी हां। इस भाई के हम वारिस भाई को पैसे देते हैं इस चीज़ के, इस काम के। ये भी इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के हैं, मतलब डिटेल चीज़ें। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी की एक बड़ी अच्छी बात के यहाँ पर आपको इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी स्टडीज़ के अंदर। अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत इस वक्त हो रहे हैं कोई 11 बजे और फ्राइडे है, जुमे का दिन है और एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं। इस वक्त मैं जा रहा हूँ बाहर वारिस के साथ और हमने जाके नाश्ता करना है क्योंकि आज जुमे के दिन मेस में बने हैं चावल और चावल मैंने छोड़े हुए, मैं चावल नहीं खा रहा, तो इसलिए मुझे उसकी जगह कुछ और खाना पड़ेगा और साथ साथ अपने नोट्स भी लेने और जाके बाहर धूप में बैठ के स्टडी भी करनी है क्योंकि कल हमने कोई स्टडी नहीं की जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ रहा माइंड पर। तो अभी चलते हैं रूम से बाहर, वारिस भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आपको लेके जाता हूँ ढाबे की तरफ। ये नोट्स हमारे, अभी ये रात को मैं ले गया था वारिस से लेकिन मैंने पढ़े नहीं, जो कि अभी जाके हमने धूप में बैठ के पढ़ने, तो चल। और ये सारी हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त ही सो रहे हैं इस वक्त। हम मैं आपको अभी जो हॉस्टल है उसकी एंट्रेंस दिखा देता हूँ। ये हमारा हॉस्टल 6 इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, और ये वारिस भाई सुबह सुबह खाना खाने के लिए इन्होंने मुझे कॉल की, और ये हमारी मेस है इस वक्त, इसकी सफाई हो रही है और यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं और इस्लामिक का खाना सबसे बेहतरीन होता है। अंकल जी कैसे हैं, ठीक है? और ये देख सकते हैं आप, और जुमे के दिन 11:30 बजे खाना स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? ये हमारा हॉस्टल्स, ये लड़कों ने यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और ये हमारे, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? ठीक हैं? और अभी हम जा रहे हैं ढाबे की तरफ खाना खाने के लिए। वारिस भाई क्या खाना है? और ये हमारे बैठे हैं जी क्लास फेलोस। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है करीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कामरान, सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया, टोस्ट नहीं खाए, मीठे टोस्ट नहीं खाए? ये जी हमारे हॉस्टल की जो ढाबा है जहाँ से हम खाना छाना खाते हैं, यहाँ पर जूसेस वगैरह सुबह को फ्रेश मिलते हैं। और हम सब वीडियो बना रहे हैं, कोई शुद्ध नहीं है ना? कोई शुद्ध नहीं है ना? अच्छा ऐसे करें, तीन खुश्क पराठे लगा दें और दो अंडे कर दें, ठीक है। और वारिस चाय भी नहीं है, बस ये आप इतना कर दें, ठीक है। ये जी इस वक्त हम माल्टे खा रहे हैं। करीम भाई छुपा के माल्टा खा रहे, नहीं लेते जी आपसे। छुपा के खा रहा था ना, असल में जो बंदा माल्टा खाता है, जो नहीं खाता है ना उसके मुंह में पानी आ जाता है। नहीं कोशिश कर रहा था कि छुपा के खाऊं,
ताकि आप लोगों के मुंह में पानी, ऐसी ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर में बाप के मुंह में पानी आएगा जब हम अंडा और पराठे खाएंगे। असल में वो मुंह में पानी तब आता है ना जब चीज आप खट्टी चीज खाओ, इसलिए मुर्ज़ा भाई का फोकस, मुर्ज़ा भाई खामोशी से खाने के ऊपर फिलहाल फोकस है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। विटामिन सी की कमी हो गई तभी खा रहे हैं। चलें चलें जी, हमारा खाना हो गया। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। काली मिर्च जाने आओ के ब्रा यार सॉरी यार कमीज से नहीं सही ना यार आते कमीज से यार आते जाने दे दी करा दे मम्मी फुल फ्राई दो अंडे इस भाई के। हम वारिस भाई को पैसे देते हैं इस चीज़ के इस काम के। तो तुमने नुकसान में जाना है ना यार, बस मतलब तकरीबन 1500 प्लस फी छोकरे थे इंदो को मर्जी है हर कहीं जे की चीज़ खाए। ये अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया और कितने हो गए पैसे? तीन पराठे, तीन पराठे और दो फुल फ्राई, ये ले। अभी हम जाके धूप पे बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है वारिस, मिलते हैं शाम को। इस वक्त पेपरों का मौसम है और इस मौसम में आपको धूप में बड़े लोग पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये हमारे इस्लामिक ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारे दोस्त यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ के पढ़ रहे हैं। दरअसल ट्यूसडे को पेपर है हमारा ह्यूमन राइट्स लॉ का, और उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उसके आर्टिकल्स हैं, सिलेबस काफ़ी है जिसको भी हमने करना है। और अभी यहाँ बैठते हैं धूप में। ये इस वक्त आप मेरी बैकग्राउंड में यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, और धूप में बैठ के पढ़ने का अपना मज़ा है। और जो दूसरे मेरे साथ दोस्त हैं सब सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और मैं भी रात को देर से ही सोया था, लेकिन सुबह अचानक जल्दी आँख खुल गई तो मैंने कहा चलो फ्रेश होने के बाद, खाना खाने के बाद हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो ये दरअसल हमारे कोई 8 सब्जेक्ट्स हैं। इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के नोट्स हैं, ये भी इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के नोट्स हैं, और ये जो वारिस भाई जिनके साथ अभी हमने बैठ के खाना खाया, ये उन्होंने नोट्स बनाए थे, और ये भी इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के हैं, मतलब डिटेल चीज़ें। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी की एक बड़ी अच्छी बात के यहाँ पर आपको इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी स्टडीज़ के अंदर, और काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, काफ़ी इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होंगी, कोई वल्गरिटी नहीं होगी, कोई बकवास चीज़ें नहीं होंगी, जस्ट ऐसी चीज़ें जो आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, मतलब कोई अब्यूज़ ऑफ लैंग्वेज नहीं होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना, अपने प्यारों का और वालदेन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।